दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे वजीरेक्स टोकन का। वजीरेक्स टोकन देखिए, वजीरेक्स एक्सचेंज का खुद का अपना नेटिव टोकन है और यहाँ पे बहुत ज्यादा जो आपको ओवरसोल्ड कंडीशन में देखने को मिल रहा था, धीरे धीरे जैसे जैसे जो क्रिप्टो मार्केट है वो ग्रो कर रहा है, उसके साथ ही आपको जो वजीरेक्स टोकन का खुद का अपना प्राइस है ये भी यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड मूवमेंट के साथ आपको ग्रो करता हुआ दिख सकता है। यहाँ अगर फिलहाल हम इसके रैंकिंग की बात करें तो ये 228 नंबर पे आपको देखने को मिलता है। प्राइस की बात करें 0.69 के रेंज में आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए 7.4% का अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिला है अभी तक। 26,000 लोगों ने इसको अपने वॉच लिस्ट में रखा है। 24 आवर का फ्लैक्चुएशन की बात करें, देखिए 0.64 से लेके 0.69 के बीच में यहाँ फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है, मतलब 0.05 का यहाँ पे जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं जो 24 आवर में आपको यहाँ देखने को मिला है। मार्केट कैप की बात करें तो 314 मिलियन का देखने को मिलता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 456 मिलियन है, यहाँ टोटल सप्लाई देखिए 1 बिलियन है। इसकी इन्फो में देखिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाता है वजीरेक्स का, जब आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो जो कुछ भी इनके अपडेट्स होंगे, इनके टोकन से रिलेटेड, इनके एक्सचेंज से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। आप इसको देखिए ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी इसको फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब अगर इसके हम ओवरऑल की बात करें तो आप देखिए इसका जो प्राइस है वो 0.68 के रेंज में आप देख सकते हैं। 314 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पे ऑल टाइम जो इसका हाई है वो 5.88 के रेंज में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उससे देखिए -88% के डाउन ट्रेंड पे आपको देखने को मिलता है वजीरेक्स का प्राइस। 24 आवर में यहाँ जो थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन हमें जरूर देखने को मिला है, वैसे अगर आप इसका मैक्सिमम देखें तो अच्छा खासा इसने जो प्राइस है वो राइज किया हुआ था। उसके बाद जब इस जोन के बाद जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया जो था 5.88 के रेंज में, वहां से जो कंटिन्यूसली आपको जो फ्लैक्चुएशन है वो देखने को मिला मार्केट में, और तब से इसका जो प्राइस है आपको $2 के रेंज में ही देखने को मिलता है। उसको जो इसका $2 का इसका रेजिस्टेंस बना है उसको अभी तक जो वजीरेक्स के प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है। कब तक ये रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन होगा, कब तक इसका जो प्राइस राइज करेगा, तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, समझते हैं इसके सपोर्ट के बारे में, इसके रेजिस्टेंस के बारे में, किस जोन में यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो बन सकती है, कब तक जो यहाँ से हमें प्राइस है वो अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्त आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम वजीरेक्स का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। यहाँ पे हमने पहले 1 डे का टाइम इंटरवल लिया हुआ है, उसके बाद हम वीकली टाइम इंटरवल पे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। फिलहाल देखिए जो इसका प्राइस है, एक देखिए अच्छे खासे राइजिंग जोन से जब डाउन ट्रेंड में आया तो इसने एक बॉटम लगाया यहाँ पे जो 0.5 का रेंज था। इस जोन में हमने कहा था कि एकदम से जो वजीरेक्स है वो टूट चुका है और यहाँ पे जो रिकवरी करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस जोन के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल आपको 1 डे की देखने को मिलती है, तो कितना ज्यादा टाइम लग गया है। और जो इसका पहले सपोर्ट जोन रहा है इस जोन में, आप देख सकते हैं कि इसी जोन से प्राइस इसका फ्लैक्चुएट होकर अप ट्रेंड में गया था। अब इसी को एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करके अभी तक जो इसका प्राइस है वो ब्रेक नहीं कर पाया है। तो यहाँ देखिए आपको सिचुएशन क्या देखने को मिलेगा कि वजीरेक्स का प्राइस जब यहाँ पे गिरा है तो इसने एक देखिए सपोर्ट बनाने के बाद अच्छा खासा राइज किया और एक उसी जो पहले इसका सपोर्ट था उसी को एज अ रेजिस्टेंस रिटेस्ट किया, फिर अप ट्रेंड में गया, एक बॉटम लगाया इसने। और जो पहला ये आप देख सकते हैं पहला जो इसका बॉटम लगा था उससे थोड़ा सा आपको अप ट्रेंड में इसका जो दूसरा बॉटम देखने को मिला, फिर से जो प्राइस अप ट्रेंड में गया और उसी रेजिस्टेंस के पास जाके प्राइस फिर से फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये जो फ्लैक्चुएशन है इस जोन तक आ जाता है दोबारा से, मतलब 0.6 के जोन में। तो आप यहाँ पे अगर अपनी डीप एंट्री भी ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया आपको जो यहाँ से प्रॉफिट है वो देखने को मिल जाएगा, अच्छा खासा जो आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप इस जोन में जैसे 0.65 के 0.64 के रेंज में भी अपनी पार्शियल एंट्री ले लेते हैं तो यहां से भी आपको जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यहां देखिए अप्रैल का मंथ आपको बुलिश देखने को मिलेगा, उसके बाद से जो फिर से जाके अपना जून जुलाई होगा वहां पे थोड़ा सा आपको बेयरिश मार्केट देखने को मिलेगा। तो इस जोन में आपकी जो एंट्रीज है वो बन सकती है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे अगर इसके RSI की बात करें तो RSI अभी आपको 60 के रेंज में देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा फ्लैक्चुएशन माइनर सा होगा और जब ये फ्लैक्चुएशन होगा तभी आपकी जो अच्छी एंट्री आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से अगर इसके हम टारगेट की बात करें तो देखिए यहाँ से जब प्राइस ब्रेकडाउन करेगा, अभी देखिए अगर ये जो मैं आपको पैटर्न क्लियर कट कर दूं तो दोनों जो रेजिस्टेंस है आपको सेम रेंज में देखने को मिलते हैं और एक जो 10 लाइन पे प्राइस इसका सपोर्ट ले रहा है तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न। और इसका जब ब्रेकडाउन होगा प्राइस अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड मूवमेंट देगा। और यहाँ देखिए अगर प्राइस यहीं से इसको जो अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और ऊपर सपोर्ट बना लेता है, फिर भी जो आपको यहाँ पे
अच्छा खासा जो मूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे वेट करें, अगर आपको इस जोन में लेनी है तो आप यहाँ पे एक अपनी जो पार्शियल एंट्री ले भी सकते हैं। हमेशा अपने कैपिटल को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करके फिर आप यहाँ पे एंट्री बनाया कीजिए। देखिए अगर यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट टारगेट बना के ऐसे एक जिगजैग करके और ब्रेक कर देता है, तब आपको यहाँ पे जो दूसरा पैटर्न है यहाँ पे देखने को मिलेगा डबल बॉटम का, ये भी आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। जब तक यहाँ फ्लैक्चुएशन आपको दोबारा देखने को नहीं मिलता तब तक यहाँ पे आपके पास जो एक एंट्री जोन है पार्शियल एंट्री के रूप में है, और जब ये बॉटम यहाँ पे लगाता है इस जोन में आके तब आप यहाँ पे जो अपनी डीप एंट्री भी ले सकते हैं। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा किस जोन में आपकी एंट्री बनेगी। अगर यहाँ से हम इसके टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट इसका होगा 0.9 का, दूसरा टारगेट होगा आपको यहाँ पे $1 का, और तीसरा टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा 1.6 के रेंज में देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ के कंपैरिजन पर कॉइन पीछे $1 का प्रॉफिट बड़े आराम से दे देगा। अब हम चलते हैं वीकली टाइम इंटरवल पे और समझते हैं इसके पैटर्न को, क्या कुछ हमें देखने को मिलता है वीकली टाइम इंटरवल में। तो दोस्त आप देख सकते हैं अब हम आ गए जो बजीरेक्स के वीकली टाइम इंटरवल पे। यहाँ अगर आप इसके प्राइस की बात करें तो यहाँ जब राइज मूवमेंट दिखाया उसके बाद से देखिए फ्लैक्चुएशन करते और ये आपको डाउन चैनल में आया यहाँ प्राइज आके, और यहाँ इस जोन में इसने एक बॉटम लगाया। अब दोबारा देखिए जो इसका प्राइस है वो फ्लैक्चुएशन यहाँ देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ शॉर्ट पे देखेंगे ध्यान से तो प्राइस इस जोन में आया और यहाँ जाके अपने इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया, प्राइस फिर से नीचे गिरा और दोबारा से जो आपको अप ट्रेंड मूवमेंट दिखा रहा है। मतलब अगर आप यहाँ क्लियर कट देखेंगे तो आपको जो डबल बॉटम का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसका जो की पॉइंट इस जोन में आपको देखने को मिलता है, और ये जो दोनों हैं ये आपको जो शोल्डर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से देखिए जब ये इसका ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस आपको अच्छा खासा रिटर्न जो दे सकता है। अभी देखिए अगर हम इसके वीकली टाइम इंटरवल पे इसके RSI की बात करें तो RSI आपको 44 के रेंज में देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे एज कम्पेयर टू आपको वन डे के यहाँ पे एक एंट्री जोन बनती है अगर आप यहाँ पे बनाते हैं, तो जब डबल बॉटम का स्ट्रक्चर यहाँ से आपको राइज देगा फिर आप यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। देखिए हायर टारगेट आप ना भी लेके चलें तो इस जोन से अगर प्राइस आपका यहाँ तक भी जाता है तो आपको जो 60% के अप्रोक्सीमेटली यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो इतना भी प्रॉफिट आपको बहुत है, आपने तो 30% ही टैक्स देना है। तो यहाँ पे जो आपका 30% होगा फिर भी आपका जो प्रॉफिट के रूप में देखने को मिल जाएगा।